The sum of a two digit number and the number formed by interchanging the digit is 132. तो भाई किसका किसका सम लेना है? The sum of a two digit number, तो two digit number बनाइए. कैसे बनाएंगे? ये units place का digit x है suppose, और tens place का digit कितना है आपका? y है. number बनाइए. तो number क्या बनेगा? तक तो याद हो गया होगा, 10 into y, 10 y plus x. इस नंबर को लेना है और एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट. इंटरचेंज करेंगे डिजिट तो न्यू नंबर क्या बनेगा बताइए. अब यूनिट्स और ये रहा टेंस. ओके, यहां आ जाएगा आपका एक्स, यहां वाई. न्यू नंबर कैसे बनेगा? न्यू नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वन. 10x प्लस वाई, तक तो याद हो गया होगा. इन दोनों को सम कर देते हैं. यदि According to the question, इन दोनों का क्या करना है? सम करना है. किसका किसका? सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132. इसके लिए इक्वल टू लगाएंगे. तो ये रहा आपका ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स, और इसको ऐड करेंगे किसमें? जो न्यू नंबर बना है बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स. और ऐड करने पे कितना आता है? 132. यहां से एक इक्वेशन बना लीजिए. 10y प्लस वाई हो जाएगा आपका 11y प्लस x प्लस 10x आ जाएगा आपका 11x इज इक्वल्स टू 132. ओके, 11 कॉमन हो जाएगा इसमें से, और आ जाएगा आपका ब्रैकेट में y प्लस x इज इक्वल्स टू 132. ये 11 पूरा इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, है ना. तो 11 से उधर क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं. 11 बन जाए 11, 2 इधर जाएगा, 11 2 जा, तो y प्लस x कितना आ जाएगा? 12. y प्लस एक्स कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा. या x प्लस वाई कितना आ गया आपका? 12. ये फर्स्ट इक्वेशन में यहां लिख रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 आ गया. ये फर्स्ट कंडीशन से बन गया आपका, है ना. अब देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है हमसे. आगे बोला जाता है हमसे, इफ 12 इज एडेड द न्यू नंबर बिकम्स. इफ 12 इज एडेड, ये जो बोला जा रहा है ना, इसका मतलब जो आपका पुराना नंबर था ना, जो ओरिजिनल नंबर था, उसी में 12 ऐड करना है आपको. ओके, ये ओरिजिनल नंबर था और इसमें हमने 12 ऐड कर दिया. तो इसका रिजल्ट क्या होता है देखते हैं. इफ 12 इज एडेड, तो उसने बोला नहीं इफ 12 इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, ऐसा नहीं बोला. आपको खुद ही सोचना पड़ेगा क्या, कि अगर जो पुराना नंबर था आपका 10y प्लस x, अगर उसमें 12 ऐड कर दें, पुराने नंबर में अगर 12 ऐड कर दें, तो होता क्या है? द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स, यानी कि जो नंबर एक नया नंबर बन गया, और ये किसके इक्वल होगा? ये होगा 5 टाइम्स के लिए इंटू लगाएंगे द सम ऑफ द डिजिट. 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स. सम ऑफ द डिजिट्स क्या हो जाएगा? वाई प्लस एक्स. बस ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा. यहां से देखिए, ये पुराना नंबर था, इसमें 12 डाला, सॉरी 12 इसमें ऐड किया, पुराने नंबर में 12 ऐड किया या ओरिजिनल नंबर में 12 ऐड किया, ये किसके इक्वल हो जाता है? 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट. 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट. सम ऑफ द डिजिट मीन्स वाई प्लस एक्स. बस अब इसको भी एक इक्वेशन बना लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए. तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 5 into y 5y प्लस 5 into x 5x. ओके, ये 5y इधर आएगा तो 10y, और 5y लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, ना. तो 10y माइनस 5y 5y हो जाएगा आपका, प्लस x, और 5x को लेफ्ट में लाओगे तो x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 12 को राइट में ले जाओगे, माइनस 12 बन जाएगा. तो 5y प्लस माइनस 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 4x आ जाएगा यहाँ पर. ओके, तो 5y माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 12 आ गया. ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2. बस अब फर्स्ट और 2 को चलिए सॉल्व कर लेते हैं, है ना. तो आपको आंसर मिल जाएगा. चलिए, ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, है ना. बताइए, इन दोनों को देखिए, ये आपकी फर्स्ट है, इन दोनों को देखिए, किसको एलिमिनेट करना चाहते हो आप? x को कर लो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है. इसको आगे पीछे करोगे इंटरचेंज कर, सॉरी इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हो. x प्लस वाई को क्या लिख सकते हो? y प्लस एक्स. और ऊपर वाली इक्वेशन को, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को उठा के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. समझ रहे होंगे आप क्यों? क्योंकि x का कोफिशियंट कितना है यहाँ? 4. तो ये बन जाएगी आपकी 4y प्लस 4 into x 4x इज इक्वल टू 4 into 12 48. ये बन गई. तो आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन ऐसे बन गई, है ना. इसका कुछ नाम दे दो. चलो फर्स्ट ही दे देते हैं, आप थर्ड नाम दे देना जो मनो. अब इसको इसके साथ ऐड कर दो. ओके, तो 5y माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 12.
इन दोनों को सॉल्व कर लो, ऐड करोगे तो 4x कैंसिल, 5+4 होता है आपका 9, 9y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 होता है 6, 4 माइनस 1 होता है 3, 9 उधर जाके डिवाइड लगा देगा तो 9 4 का क्या होता है 36, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है उसमें टेंथ प्लेस पे कितना है 4। अब x की वैल्यू निकालो, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो, y को कितना पुट करोगे, x प्लस y को कितना पुट करोगे 4, तो x कितना आ जाएगा आपका 4 राइट में जाएगा, 12 माइनस 4 होता है 8, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका 8, तो यूनिट प्लेस पे कितना है 8, यानी कि नंबर कितना है आपका 48। ओके।